और अगर पाकिस्तान अथवा तक लोग सुनने वाले सभी सामाइन को तहे दिल से अस्सलाम वालेकुम, दिस इज थोड़ी थोड़ी बात इंग्लिश के और मैसेज और सबा गजावी जनाब। आज हमारा फॉर्मेट है कुछ डिफरेंट, जैसे कि चल रहा है हमारी सीरीज ऑफ स्पीकर चल रही है गेस्ट स्पीकर, तो आज हम उसी सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे प्लस बात करेंगे मीडिया पर भी। लेकिन आज हमारे साथ मौजूद है एक गेस्ट स्पीकर, पर इससे पहले मैं आपसे पूछना भूलिए, हाउ आर यू डूइंग, होपफुली यू ऑल आर डूइंग वेल, स्टेइंग सेफ एंड हैविंग अ गुड लाइफ जर्नी। तो इसी के साथ ही वेलकम करते हैं अपने गेस्ट स्पीकर को, और हमारे आज के गेस्ट स्पीकर हैं फरहान भाई। यस, इनको मैं फरहान भाई कहती हूँ और इनका ताल्लुक है इस्लामाबाद से, स्पेशल एजुकेटर हैं। आइए इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू सो मच सबा फॉर इनवाइटिंग मी ऑन योर शो, और आई एम ऑनर्ड। मैं कुछ वक्त से ही जो है वो एक्सपेक्ट कर रहा था कि मुझे भी जो है वो मौका मिले आपके बहुत प्यारे प्यारे बहुत खूबसूरत लिसनर से बात करने का, और आज आखिरकार द ड्रीम कम्स ट्रू और मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ। थैंक यू सो मच। तो फरहान भाई, आपको पता है कि हमारे शो का फॉर्मेट क्या होता है, तो उसी हवाले से आपसे बात करेंगे, पर सबसे पहले पूछेंगे आपसे आपके बारे में कि आप क्या करते हैं और आपने अब तक क्या क्या किया। देखिए, अगर मैं बात करूं अपनी लाइफ के हवाले से या खास तौर पे सबसे पहले क्वालिफिकेशन के हवाले से, तो मैं इस वक्त जो है वो मेरा अभी मास्टर्स इन इंग्लिश जो है वो कंटिन्यू है, और मैं एज ए टीचर पढ़ा भी रहा हूँ, और स्पेशली दोज पीपल हु वांट टू प्रिपेयर देमसेल्व्स फॉर इंग्लिश प्रोफिशिएंसी एग्जाम्स सच एज आईएलटीएस, टॉफल, जीआरई and some of the others, even some of the exams that are taken in India, तो उन लोगों को भी मैं preparation करवाता हूँ, तैयारी करवाता हूँ। और जाहिर है मेरी life के हवाले से मेरा English teaching का शौक शुरू से तो नहीं रहा, लेकिन अब इतना जरूर कहूँगा कि अब मुझे किसी भी subject से अगर मैं compare करूँ तो English teaching मैंने अपनी life का हिस्सा बना लिया है, और मैं समझता हूँ कि शायद मेरे किसी एक किसी काम से किसी भी शख्स की जो है वो हेल्प हो जाए। और मैं ये चीज बताना जरूरी समझूंगा कि जो मैं ऑनलाइन क्लासेस पढ़ा रहा हूँ उसमें कुछ स्टूडेंट्स तो वो हैं कि जाहिर है जो मुझे पे करते हैं, लेकिन मैक्सिमम स्टूडेंट्स वो हैं कि जो बहुत ज्यादा लो मेंटेनेंस हैं, और मैं सिर्फ उनको इसलिए पढ़ा रहा हूँ कि ताकि शायद हम लोग चूंकि इतने मैं समझता हूँ कि खुद को गुनहगार तसव्वुर करते हैं, तो मैं ये समझता हूँ कि शायद कोई ऐसी चीज जो अल्लाह तबारक व ताला और आका करीम को हम मेरी कोई अदा पसंद आ जाए तो अल्लाह तबारक व ताला शायद दुनिया में भी और आखिरत में भी मेरे लिए सक्सेस का मकाम बना दे। बिल्कुल, तो आप ये बताएंगे कि आपकी जो विजन है उसका प्रॉब्लम कब से है। मैं बचपन से ही मैं बाय बर्थ ब्लाइंड हूँ, और हमारी फैमिली में इंक्लूडिंग मी हम लोग 7 भाई हैं और 5 भाई हम लोग ब्लाइंड हैं, और हम सभी बचपन से ही हैं बाय बर्थ हैं। सही, तो ये इससे पहले भी आपकी फैमिली में था या फिर सिर्फ आप भाइयों के साथ ये प्रॉब्लम है। नहीं सबा, ये सिर्फ हमारी फैमिली में ही है, इससे पहले इवन के मेरे कजन में भी किसी शख्स को भी डिसेबिलिटी नहीं है। तो उसके बावजूद आपने इतना सब कुछ किया और आप स्टिल बहुत कुछ कर रहे हैं, दैट्स अमेजिंग। वेल, आपसे हम जानेंगे कि क्या लर्निंग डिफिकल्टीज आपको हुई अपने बचपन से लेके अब तक। देखिए, मैं अपने भाइयों में से वाहिद भाई हूँ कि मुझे चूंकि शुरू से ही मोबिलिटी का प्रॉब्लम बहुत ज्यादा रहा, मैं खुद से कहीं पर भी बाहर नहीं जा सकता था, और अगर मुझे कहीं भी जाना होता था तो मेरे साथ कोई ना कोई साइटेड असिस्टेंट जरूर होता था कि वो मुझे कहीं ना कहीं लेकर जाए। बाकी मेरे ब्रदर्स चूंकि वो खुद से आते जाते थे, लिहाजा मेरे पेरेंट्स के लिए ये डिसीजन बहुत आसान था कि वो उन्हें किसी दूर के भी किसी इदारे में स्पेशल स्कूल में दाखिल करा दे, लेकिन मेरे वक्त में ऐसा नहीं हुआ क्योंकि मुझे
प्रॉब्लम ये थी कि एक तो करीब में इदारा ना होना, और दूसरी बात ये कि ये अंदाजा उन्हें था कि अगर हम किसी दूर इदारे में इसका एडमिशन करवाते हैं तो इसको मोबिलिटी में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होगा। फिर मैं 8 ईयर्स का था जब मेरा एडमिशन हुआ। आप अंदाजा लगा सकती हैं कि 8वीं यानी इस एज में एक बच्चा जो है वो तीसरी या कम से कम सेकंड या थर्ड ग्रेड में तो वो होता ही है। और मुझे उस वक्त जो है वो यानी जो सही मैंने नर्सरी स्टार्ट की वो 9th यानी 9 या 10 साल की उम्र में, क्योंकि उससे पहले तो ये प्ले ग्रुप और ये सब चलता रहा। और फिर उसके बाद जो सबसे बड़ी जो मुझे मैं आपको ये बताऊं कि मुश्किल पेश आई वो ये थी कि मेरे फ्रेंड्स नहीं थे, और जाहिर है मुझे कोई भी चीज पढ़नी पड़ती, कुछ भी समझना पड़ता तो मुझे अपने घर से ही जो है वो हेल्प लेनी पड़ती। मुझे ये भी बहुत ज्यादा मुश्किल पेश आई, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मेरे बचपन से ही मेरे जहन में एक ही चीज रही कि हिम्मत नहीं हारनी। हालांकि एक बच्चे की सोच, आप अगर उस सोच उस एज के हवाले से उस एज को देखते हुए अगर आप अंदाजा करें तो एक मतलब बहुत बड़ी चीज है। कि वरना आजकल के आप स्टूडेंट्स को देखें, बच्चों को देखें कि उनको बहुत जबरदस्ती भेजना पड़ता है स्कूल। मेरे अंदर जो खूबी ये थी कि एक दिन भी शायद मेरी जिंदगी में ना आया हो कि जब मुझे पेरेंट्स ने इस बात पे डांटा हो कि तुम स्कूल क्यों नहीं जाते। और मैंने जब मैट्रिक का कंप्लीट किया तो मैं उन टॉप 5 स्टूडेंट्स में था कि जो पूरे साल में सबसे ज्यादा हाजिर रहते थे। शायद यही मेरा मेरी जो एक हिम्मत, मेरी आप इसे बहादुरी कह लें या हिम्मत कह ली है कि जज्बा कह लें कि अगर बाकी लोग कुछ सीख सकते हैं तो why not me? तो आप इस हवाले से क्या कहेंगे कि आपको क्या लर्निंग डिफिकल्टीज आई अपने स्कूल एडमिशन से लेके और मैट्रिक तक? कौन कौन सी ऐसी चीजें थी जो आप समझते हैं कि आपके एक्सेसिबिलिटी के इशू थे जिनको उस वक्त केटर किया जा सकता था लेकिन नहीं किया गया? देखें, डिफिकल्टीज तो जाहिर है हर शख्स की ही जिंदगी में आती हैं, और हर शख्स किसी न किसी चैलेंज को फेस करते हुए अपने उस बचपन के फेज से गुजरते हुए फिर जवानी की तरफ और फिर अपने बाकी जिंदगी के मामलात की तरफ बढ़ता चला जाता है। लेकिन मुझे एज सच डिफिकल्टीज लर्निंग में तो बहुत ज्यादा रही, वो इस लिहाज से भी कि हम लोग शुरू से ही ब्रेल पढ़ते आए हैं, और मुझे हमेशा से ही अगर मैंने कभी अपनी क्वालिफिकेशन की अपनी उस तालीमी दौर में मैंने अगर कभी मेरे मार्क्स कम आए तो उसकी वजह हमेशा से स्पेलिंग रही कि मैं स्पेल आउट नहीं कर पाता था वर्ड को और मेरी राइटिंग बहुत ज्यादा बुरी थी। उसकी रीजन ये ब्रेल कॉन्ट्रैक्शंस रहे। और जबकि मुझे उस वक्त अगर मैं उस दौर में आज के इस दौर को कंपेयर करें तो शायद अगर उस वक्त काश के मेरा जहन ऐसा होता कि मैं इस चीज को भी अपने असातिज़ा तक पहुंचाता कि छोटी उस एज के अंदर अगर आप उसी एज में कॉन्ट्रैक्शंस की तरफ आते हैं और कुछ ऐसी चीजें सिखाते हैं कि जिससे दीगर चीजें जो है वो कमजोर हो जाती हैं, तो फिर बेहतर ये होता है कि आप उनको एक खास उम्र तक पहुंचने तक आप उन चीजों को स्किप रखें, उन चीजों को थोड़ा सा पीछे रखें ताकि कम से कम जो बेस है वो मजबूत रहे। मुझे हमेशा से लर्निंग में सिर्फ यही एक डिफिकल्टी थी। बाकी जहां तक आप जिंदगी के अंदर या बाकी मामलात के अंदर बात कर रही हैं डिफिकल्टीज की, तो मुझे इसलिए भी वो उनमें से कोई ऐसी डिफिकल्टीज नहीं हुई क्योंकि मेरे बाकी भी 4 भाई ब्लाइंड हैं और उनकी वजह से मेरे पेरेंट्स को एक्सपीरियंस हो चुका था 2 भाइयों के बाद कि ये कैसे चलना है और कैसे मामलात लेकर चलने हैं कि ताकि इनके लिए बेहतर से बेहतर हो सके। सही। तो आप कैसे देखते हैं ब्रेल की सिग्निफिकेंस को इन टर्म्स ऑफ इंग्लिश लर्निंग? आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया है सबा। मैं 2 पहलू से इस चीज को देखता हूँ एंड आई फील दैट दे गो टुगेदर। एक तो इसका मस्बत पहलू है और दूसरा इसका मनफी पहलू है। जो मस्बत पहलू है वो ये है कि जाहिर है ब्रेल हमारे लिए, आप ये समझें कि जैसे एक्साइटेड एक नॉर्मल बच्चा या लड़का वो लिखना सीखता है और जाहिर है वो जो साइटेड एक कोई भी लड़का है या बच्चा है तो पेन से लिखेगा, पेंसिल से लिखेगा। जाहिर है ब्रेल हमारे लिए इंतहाई अहम हमेशा से रही है,
क्योंकि अगर ब्रेल ना होती तो इंग्लिश लर्निंग के हवाले से, क्योंकि आप कितनी चीजों को मेमोराइज कर सकते हैं, खास तौर पे इतनी छोटी एज में। मैंने वो दौर गुजारा, वो वक्त गुजारा, मैं अंदाजा लगा सकता हूँ कि उस एज में इतना माइंड ही नहीं होता। लेकिन जब आप खुद से अपना काम इंडिपेंडेंटली कर पाते हैं तो फिर आप साइटेड लोगों के सामने अपने आप को ना सिर्फ के कॉन्फिडेंट फील करते हैं बल्कि आप उनके बराबर भी खुद को महसूस करते हैं कि आपके पास भी वो सारे वसाइल मौजूद हैं जो एक नॉर्मल पर्सन के पास मौजूद हैं। फर्क सिर्फ लैंग्वेज का है, फर्क सिर्फ स्टाइल ऑफ राइटिंग का है, फर्क सिर्फ ये है कि वो लोग आंख से देख के पढ़ते हैं और हम लोग छू के पढ़ते हैं, लेकिन वो भी वही पढ़ते हैं जो हम पढ़ते हैं। तो इस लिहाज से तो मैं समझता हूँ कि ब्रेल तो शायद ब्लाइंड लोगों की तालीम की जान है और हमेशा से रही है और इसका इनकार कोई नहीं कर सकता। और मेरे सारी इस अब तक की लाइफ में, बल्कि आप अगर कुछ पीछे जाएं और कंप्यूटर के दौर को छोड़ें, तो मैं समझता हूं कि अगर ब्रेल ना होती तो हमारे पास तो उस वक्त तो इतनी हम टेक्नोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी हम बहुत ज्यादा पीछे थे। अब मुख्तसरन वक्त की कमी को समझते हुए मैं इसके मनफी पहलू के ऊपर बात करूं, सिर्फ एक जुमला बोलूंगा कि इन ब्रेल कॉन्ट्रेक्शंस ने हमारे स्टूडेंट्स के, इवन के हमारे असातिज़ा के भी जो इंग्लिश स्पेलिंग है वो इतने बुरे कर दिए हैं कि आप ना ही पूछें। क्योंकि कॉन्ट्रेक्शंस की वजह से हम लोग नहीं समझ पाते हैं कि वर्ड एग्जैक्ट स्पेल आउट कैसे होगा। और अगर आप इंग्लिश लैंग्वेज के तमाम तर पॉसिबल रूल्स को भी फॉलो करें तो तब भी ये मुमकिन नहीं है कि जिस तरह से साइटेड लोग स्पेल आउट करते हैं उस तरह से आप करें। तो ये बहुत बड़ा मनफी, बल्कि मुझे तो कभी कभी ये महसूस होता है कि अगर ब्रेल में कॉन्ट्रेक्शंस ना होते तो शायद आज इस हवाले से भी हम लोग, बल्कि मुझे उम्मीद है कि साइटेड लोगों से इस हवाले से बेहतर होते। लेकिन अब चूंकि मैं जाहिर है कहूंगा कि ये बहुत बड़ा फर्क आया। बिल्कुल, तो कॉन्ट्रेक्शन वाकई इनके थोड़ा सा अगेंस्ट मैं भी हूँ, बल्कि थोड़ा सा नहीं काफी अगेंस्ट हूँ। शॉर्ट हैंड राइटिंग जरूर होनी चाहिए, लेकिन एक स्पेसिफिक एज के बाद, जैसे कि फरहान भाई ने कहा। तो फरहान भाई ये बताइए कि आप इसमें असातिज़ा का कितना रोल देखते हैं कि वो स्टूडेंट्स को सही फैसिलिटेशन दें, ना कि अपना सिर्फ एक होता है ना कि सिर्फ क्लास लिया बस आया टीचर उसने थोड़ा सा गाया और चला गया, मतलब इस तरह की कहानी हो रही होती है हमारे जो यूजुअली स्कूल्स हैं, हमारे जो एजुकेशन सिस्टम है उसमें इस तरह का रोल टीचर्स का रहता है, तो आप इस पर क्या कहेंगे? देखिए सबा, एक बात मैं यहाँ पे जरूर कहूंगा, और बल्कि आपके इस रेडियो शो के तवस्सुत से अगर कोई आला हुकाम में से और कोई ऐसे लोग भी कि जो तालीमी हवाले से किसी ना किसी बड़े ओहदे पे हैं, तो मैं समझता हूँ कि ये बात उन तक भी जानी चाहिए। एक तो ये क्वेश्चन बहुत खूबसूरत है, दूसरा मैं आपको बताऊं कि सिस्टम से हमेशा से ही मैं इस सिस्टम के खिलाफ रहा हूँ। बिकॉज आप सारा ब्लेम, मैं समझता हूँ कि जाहिर है टीचर्स को नहीं दे सकते, कि टीचर्स क्लास में जाहिर आते हैं और आके बस वो जो दो चार लाइंस हैं वो पढ़ा देते हैं और स्टूडेंट्स एज इट इज या उनको लिख लेते हैं या रट्टा लगा लेते हैं और वो उसी पे ही मार्क्स हासिल करते हैं, वो उनको ग्रेड मिलता है। होता क्या है कि जब वो ग्रेजुएट लेवल को क्रॉस कर जाते हैं, मास्टर्स लेवल पर की डिग्री भी उनके पास आ जाती है, डिग्री की बेस पे उनको जॉब तो मिल जाती है लेकिन वो इल्म के मैदान में हमेशा से पीछे रह जाते हैं। और ये रोल हमारे टीचर्स का जाहिर है बहुत अहम है, इस हवाले से उनको देखना चाहिए कि वो किसी भी सब्जेक्ट की फंक्शनल चीजों के ऊपर ज्यादा तवज्जो दें। मैं एक एग्जांपल ये दूं कि अगर आप किसी शख्स को, किसी अजीम इंसान की जिंदगी के बारे में अगर आप पढ़ा रहे हैं और किसी भी हवाले से उसको आप एक्सप्लेन कर रहे हैं, तो वो ज्यादा अहम मेरे ख्याल में बहुत सारी शख्सियात हैं जिनका, जैसे कि आप अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह ताला अलैह की बात कर रहे हैं, ये चीजें तो अहम हैं। लेकिन इसके अलावा एक शेक्सपियर की स्टोरी को पढ़ा के और आप बगैर किसी एक्सप्लेनेशन के, बगैर किसी वजाहत के अगर आप अपने तुलबा को सिर्फ उनके मीनिंग करके और रटा देते हैं तो ये काफी नहीं है। बजाय के इन चीजों पर तवज्जो देने के, फंक्शनल चीजों के ऊपर तवज्जो दें। स्टोरीज पढ़ाने से कभी भी इल्म नहीं आता, लेकिन अगर किसी चीज की वजाहत हो जाए, किसी चीज को मुकम्मल तौर पे वाजे कर दिया जाए, तो मैं ये समझता हूँ कि एक शख्स डिग्री तो लेगा ही लेगा लेकिन उसके अंदर इल्मी
जो उसकी हैसियत होगी या उसका लेवल ऑफ जो नॉलेज होगा वो भी काफी इंक्रीज होगा। स्टूडेंट्स का रोल अगेन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, स्टूडेंट्स को इन चीजों को समझना चाहिए। अनफॉर्चुनेटली वो नहीं समझते, एक तो वो अपना टाइम भी सेव करते हैं, पे तो उनको मंथली मिलती है, वो पढ़ाएं या ना पढ़ाएं इससे तो कोई मैटर करता ही नहीं है। स्टूडेंट्स ने जिन्होंने ग्रेड ले लेने हैं वो भी खुश हैं, और जो नहीं ले लेते तो उनका भी ब्लेम टीचर्स पे अगर आता भी है तो वो अपने आप को फिर भी किसी ना किसी तरीके से प्रोटेक्ट कर लेते हैं। लेकिन फिर भी कसूर हमारे सिस्टम का है कंपैरेटिवली टू इंटरनेशनल स्टैंडर्ड। तो अपने अपने तौर पे अगर सब कोशिश करें लिसनर्स तो हम कुछ ना कुछ इसके लिए कर सकते हैं। साथ साथ हम शेयर करते हैं अपना ईडीएम ऑफ द डे, बहुत अच्छी बातें हुई है, बहुत अच्छी प्रोडक्टिव डिस्कशन चल रही है आज, तो ये भी शेयर करने का दिल नहीं चाह रहा, लेकिन स्टिल जो कि हमारा फॉर्मेट है तो हमें इसको मजबूत खाते रखते हुए ईडीएम ऑफ द डे भी शेयर करना है। तो आज का हमारा ईडीएम है बाइट ऑफ More than one can chew. Bite off more than one can chew. P-I-T-E bite. O-double-F off. M-O-R-E more. P-H-A-N then. O-N-E one. P-A-N can. C-H-E-W, chew, bite off more than one can chew. It means के इतना ज्यादा अपने ऊपर बर्डन ले लेना कि आप जिस चीज को फुलफिल ना कर सकते हो या ना कर पाए और आप इतना बर्डन अपने ऊपर ले लें, जैसे कि हम कभी कभी ऐसे करते हैं ना, ये उससे डराइव हुआ है कि हम बड़ा होने वाला ले लेते हैं और हमसे खाया भी नहीं जाता, तो उसी से ये निकला है। लेकिन इसका कॉन्टेक्स्ट है कि तो आगे बढ़ते हैं, सिलसिले को बढ़ाते हैं आगे गुफ्तगू के और पूछते हैं फरहान भाई से कि इसका हल क्या है, ये जो राइटर का सिस्टम है हमारा जिसकी वजह से भी हमारी इंग्लिश स्पेलिंग्स काफी ज्यादा हर्ट होती है। स्टूडेंट्स सोचते हैं कि भाई राइटर होगा वो सब कुछ कर देगा, और टीचर्स भी कहते हैं राइटर होगा ना कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैथ और इंग्लिश के जो स्किल्स हैं उनके खराब होने की वजह एक हमारा राइटर सिस्टम भी है कि उनको पता होता है किसी ना किसी तरह हमने पास हो जाना है। अगर उनको ये पता हो कि हमने पास नहीं होना और हमें मेहनत करके ही कामयाबी मिलेगी तो फिर ऐसा नहीं होगा, तो इस बात से आप कितना इत्तेफाक करते हैं? जी बिल्कुल, मैं इस बात से 100% एग्री करता हूँ। राइटर की वजह से भी, चूंकि एक तो वक्त की कमी होती है और राइटर से हर स्टूडेंट पहले ही इस चीज को डिस्कस कर लेता है कि जाहिर है लिखना तो तुमने खुद ही है, और स्टूडेंट सिर्फ सारी चीजें बोल देगा, कोई भी पैराग्राफ है, कोई भी लाइन है, कोई भी चीज है, तो वो स्टूडेंट ने तो बोलनी है, अब लिखने वाले को है कि वो खुद स्पेल आउट करे और उसको लिखे। लेकिन इससे हमें इस चीज का अंदाजा नहीं है कि हमारा नुकसान बहुत ज्यादा हो रहा है। बिल्कुल, एक दफा मेरे साथ ऐसे हुआ कि यूनिवर्सिटी का थर्ड ईयर था और अमूमन इस तरह के राइटर नहीं मिलते थे, वो ऐसे ही होते थे, वो कहते थे नहीं बस आप बोलते जाए और हम जो है वो मैनेज कर लेंगे, हम स्पेलिंग लिख लेंगे। एक दफा ऐसा हुआ कि राइटर चूंकि बहुत ज्यादा नहीं मिलते थे, सभी के एग्जाम्स हो रहे होते थे, तो मुझे इस तरह की राइटर मिली कि उन्होंने मुझसे कहा कि जी क्या लिखना है, मतलब आप मुझे बताएं, मैं उनको स्पेल करके बता रही थी। एक जुमला ऐसा आया जिसमें था इज, आई एस इज, तो वो तक मैंने उनको स्पेल करके बताया और फिर भी मेरा पेपर फेल 3 घंटे में हो गया और 80 मार्क्स मेरे आए। तो उस दिन मुझे रियलाइज हुआ कि अगर हम इस तरह से भी करें तो हो जाएगा, मतलब इतना मसला नहीं होगा, बस ये कि हमें खुद थोड़ा ज्यादा हाजिर दिमाग होना पड़ेगा। बिल्कुल ऐसा ही है, और ये सेम जो वाकया है ये मेरे साथ भी बारे दिगर हो चुका है, और ये ऐसा मुझे एफए में आई रिमेम्बर के एक 5th क्लास का राइटर मिला था। अब आप अंदाजा लगा सकती हैं
कि उस वक्त में मुझ पर क्या गुजरी होगी और वो क्या दिन होगा कि एक एक लफ्ज को स्पेल करके मुझे बताना पड़ा। और ये चीज है, ऐसा ही है। बिल्कुल बिल्कुल जनाब। तो जनाब टाइम हमारा शॉर्ट है और उसी को मंजूर के खातिर रखते हुए मुझे रैप अप करना है, लेकिन उससे पहले मैं फरहान भाई से कहूंगी कि वो आपको यानी कि लर्नर्स को और इंस्ट्रक्टर्स को दोनों को मैसेज दें इस हवाले से कि वो किस तरह से मोटिवेटेड रह सकते हैं और इस हवाले से कि वो अपनी लर्निंग डिफिकल्टीज स्पेशली इन टर्म्स ऑफ इंग्लिश किस तरह से कोप अप कर सकते हैं, क्योंकि ये है थोड़ी थोड़ी बात इंग्लिश से। बिल्कुल जनाब, तो ओवर टू फरहान भाई। मैं तमाम लर्नर से एक बात कहना चाहूंगा। मैं एक कोटेशन जो कि जहां भी मैं कहीं भी इंटरव्यू दूं, किसी से बात करूं, तो मैं लाजमी शेयर करता हूं, और यहां भी लर्नर्स के लिए मैं ये लाजमी कहूंगा कि फ्रेंड्स स्टूडेंट्स, इफ वी कैन नॉट सी द होल वर्ल्ड वी मस्ट डू समथिंग दैट द होल वर्ल्ड शैल सी अस। और बस मोटिवेटेड रहिए, खुश रहें, हंसते मुस्कुराते रहें। और टीचर्स के लिए ये है कि आप अगर किसी चीज का आपको उसके बदले में कुछ एवज में कुछ पे मिल भी रही है या नहीं भी मिल रही, तब भी ईमानदारी का दामन अपने हाथ से काइंडली ना छोड़े। और अगर मैं समझता हूं कि एक एक शख्स इनफरादी तौर पर इस सिस्टम को बदलने की कोशिश करे, तो फिर कहा जाता है कि कतरे कतरे से दरिया बनता है और चीजें आहिस्ता आहिस्ता खुद तब्दील होती चली जाती हैं। आला हुकाम पे भी सारा इल्जाम देना को मुनासिब बात नहीं है, क्योंकि हम ही में से वो लोग हैं और वो सब हम हैं, तो फिर हम ही से हैं, तो फिर हम खुद मिलकर क्यों नहीं एक दूसरे को और इस सिस्टम को बेहतर कर लेते। तो मेरे ख्याल में इंडिविजुअल किरदार अदा करें। और प्लीज मेरी रिक्वेस्ट होगी असातजा से खास तौर पे कि इस पुराने फरसूदा किस्म के जो अंदाज हैं और ये तौर तरीके, इनके ऊपर टीचिंग्स करने को छोड़ें और आजकल के इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स को मलहूज़े खातिर रखते हुए, सामने रखते हुए, फॉलो करते हुए अपने स्टूडेंट्स को पढ़ाएं, ताकि वो डिग्री तो ले ही लें, साथ में इल्मी काबिलियत के हवाले से भी उनकी जो जिंदगियां हैं वो उरूज पर जाएं। आपने तो उनको मैच कर लिया। तो बहुत शुक्रिया आपका कि आप तशरीफ लाए और हमें अपना प्रेशियस टाइम आपने दिया, बहुत शुक्रिया। और हम हो सकता है आपको दोबारा मधु करें और आपसे जाने कुछ अच्छे से फ्रेजेस, कुछ idioms, कुछ प्रोवर्ब्स और आपकी नॉलेज में से कुछ हम भी शेयर करें और शेयर करवाएं अपने लिसनर्स को। जी जरूर, बहुत बहुत शुक्रिया। एंड आई विल बी मोर देन हैप्पी to be here on this show again, inshallah. तो जनाब इसी के साथ हम wrap up करते हैं अपने शो को। और listeners, आप भी बताइएगा हमें, comments कीजिएगा YouTube पे भी और Facebook पर भी। हमारा पेज आप विजिट कर सकते हैं facebook.com/naisubah facebook.com/naisubah। और इसके अलावा अगर आप हमारी किसी भी प्रोग्राम के बारे में जानना चाहते हैं तो विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.naisubah.org naisubah.org। तो मिलेंगे इंशाल्लाह अगले शो में इसी पैगाम के साथ। के ख्याल रखिए अपना भी, अपने चाहने वालों का भी, उन लोगों का जो आपको चाहते हैं, उन लोगों का जिन्हें आप चाहते हैं, उन लोगों का भी जो आपसे नाराज हैं, क्योंकि आपका प्यार, आपका इखलास और आपका अखलाक उनके दिल एक दिन जरूर पिघलाएगा। और यही वो चीज है जो कि आपको दुनिया पे हुक्मरानी दिलाती है। यस, तो इसी के साथ ही मिलेंगे अगले शो में। टेक केयर, टिल देन अल्लाह हाफिज़।